थैंक यू वेरी मच 10,000 सपोर्टर्स के लिए। तथागत लाइव से अब 10,000 लोग जुड़ चुके हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 90% ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करते हैं, मतलब 90% पूरी तरह से ओरिजिनल बनाया हुआ कंटेंट ही उस पर डालते हैं, बुद्ध से रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड। और सेकेंडली उसमें ये बात है कि 10% जो है वो कुछ न्यूज़ आइटम्स होते हैं, जैसे भीमा कोरेगांव में जो अटैक हुआ तो उसका वीडियो हमने सबसे पहले डाला था, जो कि रिकॉर्ड किया था अम्बेडकर टीवी वालों ने, उन्होंने फेसबुक पर डाला था, हमने उसे उठाकर यूट्यूब पर डाल दिया था। तो इस कंटेंट को छोड़ने के अलावा सारा जो कंटेंट है वो हमारा ओरिजिनल रहता है। और अभी हमने इसमें दुनिया का सबसे पहला राउंड टेबल टॉक वर्चुअल कैमरे से शूट कर रहे हैं। ये वर्चुअल कैमरा हमारे पास है, वर्चुअल कैमरे से शूट कर रहे हैं, जो कुछ इस तरह का कैमरा है जिसके दोनों साइड कैमरे लगे हुए हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया का पहला शो है। इस पूरी दुनिया में आज तक किसी भी टीवी चैनल वाले ने इस तरह का शो नहीं बनाया जिसमें हम एक खास तरह के चश्मा लगाकर, इस तरह का एक खास तरह का चश्मा ऐसे करके लगाकर, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वीडियो के अंदर बैठे हुए हैं। और इस वीडियो की खासियत यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे बगल में बैठ के हमारी बातें सुने। और अभी लेटेस्ट जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था कुछ समाज के लोगों के साथ, मायावती, जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जो अपने खुद के नेतृत्व लेकर बाहर आ रहे हैं, इन लोगों के साथ जुड़कर मायावती को पार्टी में लाना चाहिए इन लोगों को या नहीं लाना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसे अभी 55,000 लोगों ने देखा है इस वीडियो को। हम एक एनिमेटेड सीरीज़ भी बना रहे हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं कि बाबा साहब ने लिखा हुआ है बुक के बारे में कि बुक जो है वो 100% ओरिजिनल नहीं है। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि आजकल बामसेब के अध्यक्ष हैं बावन मेश्राम जी, उनका ये कहना है कि बाबा साहब की हत्या की गई थी और उनकी हत्या जो है उनकी दूसरी बीवी सविता अम्बेडकर जी ने की थी, मतलब प्रकाश अम्बेडकर जी की दादी। और अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि जो बावन मेश्राम जी बोल रहे हैं वो कुछ हद तक गलत है। और मैं बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी ये बात कुछ सही नहीं लगी। इसलिए आप कल रात के 9 बजे का एपिसोड देखिए, आपको समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगेन थैंक यू वेरी मच 10,000 सपोर्टर्स के लिए, और आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा तो आगे हम और भी बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू।